लिखा गया है टाइमिंग चेन किट्स। चले भाई, टाइमिंग चेन किट अपन ने बॉक्स से निकाल लिया, अभी आपको एक बार इसे दिखा देता हूँ क्या क्या अपने को इसमें मिल जाता है भाई। उससे तो ये है भाई उसके टैपिट की आवाज। तो नमस्कार भाइयों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे थंबनेल देखकर आपको पता लग चुका होगा भाई आज का वीडियो अपना किस टॉपिक पे होने वाला है। तो भाई आज का ये जो वीडियो रहेगा अपने बीट के टाइमिंग चेन के ऊपर होने वाला है भाइयों। टाइमिंग चेन की जो किट है भाइयों वो अपन ने ऑर्डर कर लिया है भाई, वो भी अपने को आ चुकी है। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा इसकी अनबॉक्सिंग रहेंगे भाइयों, और इसका जो वीडियो दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें भाइयों अपन इसका जो कम्प्लीटली टाइमिंग चेन जो किट है भाइयों वो चेंज करवा देंगे। तो चले भाई अभी आप इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो देख लीजिएगा। और ऑलमोस्ट भाइयों अपनी कार चल चुकी है 1,00,000 किलोमीटर, और 1,00,000 किलोमीटर रिवन होने के बाद भाइयों अपने को अपने कार की जो टाइमिंग चेन है वो चेंज करवा लेना चाहिए। तो चले भाई अभी आपको जो कार के जो किलोमीटर है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप इसकी अनबॉक्सिंग है क्या क्या अपन ने मंगवाया है भाइयों वो आप देख लीजिएगा। तो चले वीडियो में बने रहेगा भाई, वीडियो आखिर तक के देखिएगा। तो भाई चले अभी आपको जो किलोमीटर है कार के वो दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट भाई अपने को अगर आपकी कार कुछ 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी होगी तो भाई डेफिनेटली आपको भाइयों ये चीज़ें आपको करवा लेना चाहिए। आपकी जो टाइमिंग चेन किट है वो आपको भाइयों डलवा लेने चाहिए भाई कार में, ताकि भाई हो आपके कार में कोई इस रिलेटेड दिक्कत ना आए भाई। तो चलिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो भाई कार का मीटर, और अपनी कार भाई हो ये कुछ इस प्रकार से 1,03,748 किलोमीटर चल चुकी है भाई, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो भाई। तो इतने दौरान भाई हो अपने को अपने कार की जो टाइमिंग चेन है जैसे मैंने आपको बताया भाई हो ये चेंज करवा लेना चाहिए। और अपन इसमें डलवा रहे भाई ये आफ्टर मार्केट कुछ इस प्रकार से भाई हो, ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हो भाई ये कंपनी रहेगी, और इसमें भाई हो अपने को ये सारे कुछ पार्ट मिल जाते हैं टाइमिंग चेन को, जो कुछ किट मिलती है भाई टाइमिंग चेन की वो सब कुछ अपने को इसमें मिल जाती है भाई। और यहाँ पे लिखा गया है टाइमिंग चेन किट्स, और यहाँ पे भाई हो आप यहाँ पे जैसे इधर आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग चेन किट, और ये बीट पी बोले तो ये पेट्रोल, और ये 7 सेट है भाइयों, अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। और पीछे से कुछ इस प्रकार से बॉक्स दिखता है भाइयों, साइड से ये कुछ इस प्रकार से है भाई, आपको इधर साइड से भी दिखा देता हूँ एक बार, और ये कुछ इस प्रकार से है भाइयों। और ये भाइयों अपन ने मुंबई से मंगवाया है अपने सिटी में भाइयों, इसकी जो प्राइस थी वो काफी महंगी थी भाइयों, काफी कॉस्टली थी, 3,500 के लगभग अपने को ये अपने सिटी में गिर रहा था। तो अपन ने भाइयों ये 2,650 रुपये में ऑनलाइन मंगवाया है, ऑनलाइन तो नहीं ऑफलाइन ही है, उनका स्टोर है बट उनका स्टोर लोकेट है मुंबई में, मुंबई से अपन ने इसमें मंगवाया भाइयों। और ये अपने को पड़ा है 2,650, मतलब इसका जो एक्चुअल प्राइस है 2,650, और सिर्फ अपने को भाइयों कुरियर चार्ज पड़े है 150 रुपये, मतलब ये भाइयों अपने को 2,800 के करीब भाइयों ये सब कुछ पड़ा है। अभी जिस प्रकार से बॉक्स देख लिया है भाइयों अपने, और इसमें कम्प्लीटली किट आ जाती है भाइयों अपने को। और अगर भाइयों आपको चाहिए रहेगा होगा तो मैं उनका जो नंबर है भाइयों वो दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर लेना भाइयों। चले अभी इसे खोल लेते हैं भाइयों, और आपको बता देते हैं अंदर में क्या क्या अपने को इसमें मिल जाता है। और अभी भाइयों ये अनबॉक्सिंग होने के बाद मैं आपको एक चीज भी चेक करा दूंगा भाइयों, तो वीडियो में बने रहिएगा। वो चीज क्या है भाई वो आपको बता देता हूँ। अपने कार से भाइयों अपने इंजन से एक नॉइज आ रही है, वो रहेगी भाई इसके टैपिट के, टैपिट तो नहीं है भाई इसमें, टैपिट नहीं आते हैं इसमें, लिफ्टर आते हैं कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये लिफ्टर भाई हो इसकी जो लाइफ होती है वो भी ऑलमोस्ट 70,000 से 80,000 पर इसे चेंज करवा लेना चाहिए। और इसके लिए भाई हो अपने को ये कार का जो है हेड है वो खोलना पड़ेगा, और हेड के साथ भाई हो इसका जो अपन खोलेंगे खुलवा ही रहे तो कार को, तो इसका जो हेड ऑल वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे भाई हो, तो उसी कारण से भाई हो इसका जो आवाज आ रही है जैसे दोस्तों टैपिट होता है वैसे ही नॉइज आ रही है भाई हो, उसका भी काम अपने को करवाना है। बट इसमें जितना फर्क आता है भाइयों, जिस गाड़ी में टैपिट है उसमें भाइयों टैपिट सेट हो जाता है, बट इसमें जो तो लिफ्टर है जो कि के सीरीज इंजन में आता है भाइयों, तो इसका डायरेक्टली कम्प्लीटली जो लिफ्टर है वही चेंज करवाना पड़ेगा, तो इसी से ही इसका जो आवाज़ है वो चला जाएगा भाइयों, तो वो भी काम करवाना है। और साथ में भाई अपन इसकी जो टाइमिंग चेन किट है वो भी चेंज करवा रहे हैं, उसमें उसका वीडियो भाई प्रॉपर तरीके से आएगा। तो चले अभी इसे खोल लेते हैं भाइयों, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें मिल जाता है भाइयों। और कुछ कुछ सामान के भाइयों इसमें 7 सामान है, जैसे आप देख पा रहे 7 सेट यहाँ पे लिखा गया है भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब कुछ कुछ भाइयों इसके नाम मुझे मालूम नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर लेना भाइयों। मैं आपको एक बार बारी बारी से निकाल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या अपने को मिल जाता है। तो चले भाइयों, टाइमिंग चेन किट अपन ने बॉक्स से निकाल लिया, अभी आपको एक बार इसे दिखा देता हूँ क्या क्या अपने को इसमें मिल जाता है भाइयों। 7 चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगे अपने को, 7 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब भाइयों 7 चीज़ें अपने को ये कम्प्लीटली इसमें मिल जाती है भाइयों। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 फ्री व्हील मिल जाते हैं, और उसके साथ में भाइयों ये टाइमिंग चेन मिल जाती है। अब आई थिंक भाइयों ये रहेगा टेशनर या कुछ तो भी रहेगा भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ये मिल जाता है।
और उसके साथ में दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से पार्ट है, ये मिल जाता है। और ये दोस्तों ये गाइडे है जो कि चेन को फिटमेंट करने के लिए गाइडे रहते हैं, ये रहेगा। और ये सारा कुछ पार्ट रहेगा भाइयों, ये आफ्टर मार्केट रहेगा। और अगर भाइयों आपको ये इसका ओरिजिनल चाहिए होगा तो ओरिजिनल आपको काफ़ी महंगा गिरेगा भाइयों, और लगभग ये 4-4.5 हज़ार रुपये तक के ये चीज़ें आपको ओरिजिनल मिल जाएगा भाइयों, जो कि GM का रहेगा। और ओरिजिनल भाइयों आपको किट तो मुश्किल से ही मिलेगी, बट आपको ये भाइयों अलग अलग से ही ये सब कुछ लेना होगा भाइयों। इसकी अगर आप चेन भी लेने जाओगे GM की तो आपको ये 1300 के करीब चेन ही हो जाएगी, 1300-1400 के करीब भाइयों इसकी चेन ही हो जाएगी। अभी तो फिलहाल में अपन ने ये कुछ इस प्रकार से मंगवा लिया भाइयों, 2650 रुपये इसकी प्राइस है भाइयों। और जो आपको मंगवाना रहा तो डिलीवरी चार्ज आपको आपके कुरियर के हिसाब से रहेगा भाइयों, बट मानकर चलो भाइयों 100-200 रुपये के ऊपर आपको कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। ऑल इंडिया कहाँ से भी हो गए तो आप वो चेक करवा लेना भाइयों। अभी भाइयों इसके नेक्स्ट वीडियो आपको इसके ऊपर ही रहेगी, जो कुछ मैंने आपको बताया भाइयों मतलब इसे ही भाइयों अपन चेंज करवा लेंगे। और इसे चेंज करने के अलावा भी अपने पास भाइयों अपने कार में एक प्रॉब्लम है, वो आपको मैं चेक करा देता हूँ। अभी कार को स्टार्ट करते हैं भाइयों, फिर आपको दिखाते हैं भाइयों। वो रहेगा इसके टैपिट की आवाज़, मतलब टैपिट तो नहीं आते इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया भाइयों इसमें लिफ्टर आते हैं, आप उसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। उसी के लिए भाइयों अपने को इसके जो लिफ्टर है वो चेंज करवाने के लिए भाइयों अपने को इसका जो हेड है वो खोलना पड़ता है, वो ऑलमोस्ट भाइयों वो भी अपन इसमें अब खुलवा ही रहे तो भाइयों सारा कुछ काम अपन इसमें करवाने वाले हैं। तो चलिए अभी आपको जो इसकी जो नॉइस है वो सुना देते हैं भाइयों, कार में कैसे क्या नॉइस है, फिर आपसे बात करते हैं भाइयों। तो चलो वीडियो में बने रहिएगा भाई, वीडियो आखिरी तक देखिए। तो चलो भाइयों कार को करते हैं स्टार्ट, और आपको जो नॉइस है भाइयों जो अनवांटेड नॉइस है वो आपको सुना देते हैं, एक बार चेक करा देते हैं भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये कुछ इस प्रकार से अपन ने कार को स्टार्ट कर लिया भाई, अभी आपको जो नॉइस है भाई वो सुना लेते हैं। बट इसमें भाइयों आप हेडफोन लगवा लीजिएगा ताकि भाई आपको बेटर आपको एक्सपीरियंस आए नॉइस का। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई कुछ इस प्रकार से इंजन अपना स्टार्ट है। अब यहाँ पे भाइयों ध्यान से सुनेगा, मैं आपको रेस करा के दिखा देता हूँ, और रेस करने के साथ ही भाइयों आप जो इंजन की नॉइस है वो सुनेगा भाइयों, टिक टिक करके नॉइस कुछ आती है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो भाइयों, आपको सही से होप दोस्तों आपको सही से सुना आ रहा होगा, तो ऐसा कुछ नॉइस है भाइयों अपने कार में। और जैसे भाइयों मैं रेस दे रहा हूँ और रेस को जैसे ही भाइयों मैं छोड़ रहा हूँ तो ये आवाज आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। अब ये रेस पे है भाई कार, अब मैं जैसे रेस को छोड़ूंगा ये कुछ इस प्रकार से टक टक करके नॉइस आती है भाई। होप आपको नॉइस आ रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार। तो ये है भाई उसके टैपिट की आवाज़, जैसे मैंने आपको बताया लिफ्टर आते हैं इसमें उसकी आवाज़ है ये। और उसके लिए भाइयों अपने को इसका में सेट नहीं होगा ये, अगर भाइयों इसमें टैपिट रहते थे तो ये इसका जो लिफ्टर है ये सेट हो जाता था, बट एक्चुअल में भाइयों इसमें लिफ्टर आता है, और इसका जो लिफ्टर है भाइयों वो अपने को इसका जो हेड है वो खुलकर ही इसमें चेंज करवाना पड़ता है। और मैं सोच रहा हूँ भाइयों इसका अगर मैं लिफ्टर चेंज करवा ही रहा हूँ तो सोचा चलो भाइयों इसका जो वॉल है भाइयों जो वॉल होते हैं वो भी चेंज करवा लूँ, ताकि भाइयों अपने को नेक्स्ट 1,00,000 किलोमीटर तक कोई भी चिंता नहीं रहेगी। तो अभी देखेंगे भाइयों इसका जो वॉल है वो भी लाएंगे और वो भी आपको बताएंगे, अभी खोलने के बाद ही अपने को भाइयों कार की जो इंजन की जो कंडीशन है वो पता लगेगी। अब वैसे दोस्तों अपने इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं भाइयों, बट जस्ट भाइयों इसके जो 1,00,000 किलोमीटर हो चुके हैं तो अपने को इसकी जो टाइमिंग चेन है वो चेंज करवाना ही पड़ेगा। और साथ में भाइयों मैंने सोचा अगर इसका टाइमिंग चेन चेंज करवा रहे हैं, गाड़ी अपनी प्रॉपर तरह से खुलवा ही रहे हैं, तो भाइयों इसका भी काम करवा लिया जाए। तो यही वह प्रॉब्लम, अगर भाइयों आपकी भी कार में ऐसा कुछ नॉइस की प्रॉब्लम होगी तो समझ जाना भाइयों, अगर आपकी बीट होगी तो इसमें भाइयों आपको थोड़ा बहुत खर्चा आएगा इसका जो हेड है वो खोलने का, तो इसका हेड खोलने के बाद ही ये सेट हो पाएगा भाई। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा भाइयों, और जल्दी भाइयों इसके काम के ऊपर भी वीडियो आएंगे, इसका जो टाइमिंग चेंज है उसके ऊपर और इसका जो लिफ्टर है वो भी बताएंगे अपन, जैसे कि ये चेंज हो गए तो चैनल पे बने रहेगा भाई। तो भाइयों कार की टाइमिंग चेन किट और कार में भाइयों अपने क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया हो भाई। तो भाइयों इसका जो काम है वो भी अपन प्रॉपर तरह से करने वाले हैं भाई, तो चैनल पे बने रहिएगा भाई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही भाई, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो भाई। इस बारे में आपको कोई सवाल हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा भाई। तो बस मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।